व्यूअर्स, वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज हम कुनाफा बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने ये बारीक सिवाइयाँ ली है, देखिए इस तरह की। और मैं इसे अच्छे से तोड़ लूँगी। ये लंबे लंबे हैं तो हम इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। देखिए इस तरह, बिल्कुल बारीक हम नहीं करेंगे, मीडियम रखेंगे, बहुत बारीक नहीं, मीडियम करेंगे। ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से तोड़ लिया है। कुनाफा की जो बीच की लेयर होती है, पहले हम उसे तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने 200 ml मिल्क लिया है और उसे बॉईल के लिए रख दिया है। 2 टेबलस्पून उसमें हम शुगर डालेंगे। इसे थोड़ा हमें फीका रखना है, ज़्यादा मीठा नहीं रखना है, क्योंकि हम शीरा भी डालते हैं तो बहुत मीठा हो जाता है, इसलिए हम शक्कर इसमें कम डालेंगे। ये देखिए हमारा दूध बॉईल हो रहा है। 2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है मैंने, इसमें पानी डालकर एक घोल बना लूंगी और उबलते हुए दूध में अच्छे से डालकर मिक्स कर लूंगी। अच्छे से मिक्स कर लूंगी इसे। धीरे से हमें इसे डालना है और चम्मच को चलाते रहना है। हमें ऐसे ही चम्मच को चलाएंगे, वरना इसमें लम्स आ जाएंगे। देखिए कितना गाढ़ा हो रहा है। ये अच्छे से पक जाए बस मैं फ्लेम को ऑफ कर लूंगी। ये हमारा कुनाफा के जो बीच में डालते हैं वो लेयर बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए इतना ठीक उसे रखना है, ज़्यादा पतला नहीं रखना है हमें। इसमें कुछ लोग चीज़ डालते हैं और कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कुनाफा की शुगर सिरप बनाने के लिए मैं आधी कटोरी पानी ले रही हूँ और एक कटोरी चीनी डालूंगी। हम चम्मच को चलाते रहेंगे वरना चीनी नीचे लग जाएगी। देखिए चीनी अच्छे से घुल चुकी है। मैं इसमें 2 बूंद लेमन के डालूंगी, इससे हमारी शुगर क्रिस्टलाइज नहीं होगी। बस ये और थोड़ा पक जाए मैं फ्लेम को ऑफ कर लूंगी। हमारा ये कुनाफा का जो चाशनी है वो रेडी हो चुकी है। कुनाफा की सेवइयों को भूनने के लिए मैंने ये बटर लिया है, बटर इसमें डाल लूंगी। देखिए बटर मेल्ट हो चुका है, अब मैं ये सेवइयाँ इसमें डालूंगी। ये जो बारीक सेवइयाँ ली है मैंने, 250 ग्राम्स है ये सेवइयाँ, इन्हें अच्छे से मैं भून लूंगी। मैं इसमें और थोड़ा बटर डाल लूंगी। जब तक ये हमारी सेवइयाँ अच्छे से बटर में कोट हो जाती है, तब तक उतना हमें बटर डालना है। बहुत ज़्यादा भी हमें इसमें बटर नहीं डालना है। देखिए अच्छे से नीचे से मैं अच्छे से इसे भून लूंगी। इसे ज़्यादातर लोग ओवन में बनाते हैं, मैं आपको पैन में बनाकर बताऊंगी। देखिए मैं अच्छे से चलाते हुए भून रही हूँ। बटर मैंने और थोड़ा इसमें डाला है तो ये करेक्ट हो गया है, थोड़ा कम लगा था इसलिए मैंने और थोड़ा डाला। आप सॉल्टेड या अनसॉल्टेड कोई भी बटर ले सकते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसे भून रही हूँ। देखिए और थोड़ा ये हो जाए बस। देखिए अच्छे से हो चुकी है, अच्छे से थोड़ा गोल्डन कलर की हो गई है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर लूंगी। आधी सेवइयाँ मैं इसमें निकाल लूंगी, एक बाउल में मैं आधी सेवइयाँ निकाल लूंगी जो ये ऊपर की लेयर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल लूंगी। नीचे जो मैंने रखी है पैन में, उसी में मैं कलर डालूंगी, ऊपर की जो लेयर है उसमें कलर नहीं डालूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला है इसमें, आप कोई भी कलर डाल सकते हैं। सारी सेवइयों को मैं ऐसे सर्कल शेप में अच्छे से इकट्ठा कर लूंगी, ऐसे थोड़ा दबाते हुए सेट कर लूंगी, राउंड शेप का बना लूंगी। ऐसे अच्छे से दबाएंगे तो अच्छे से सेट हो जाएगा। अभी हमारी सिवैयां गरम है और थोड़ा सा शुगर सिरप को मैंने फिर से गरम कर लिया है, वो इसके ऊपर डालूंगी। बिल्कुल ज्यादा नहीं डालूंगी,
आधा शुगर सिरप इसके ऊपर डालूंगी। बस ये आधा हो चुका है। फ्लेम हमें जब सेट करते हैं तो फ्लेम हमारी ऑफ होनी चाहिए। सेवैयों को मैंने भून कर फ्लेम को ऑफ कर लिया था। अब शुगर सिरप डाला है, फिर ये मैं जो बीच का लेयर बनाई थी वो अच्छे से डाल लूंगी। जो आपका बीच का ये है वो कोरन तक हमें नहीं जाने देना है, बस बीच में ही अच्छे से डाल लेना है। ऐसे चम्मच की मदद से मैं फैला लूंगी। मैं सारा इसमें डाल लूंगी, डालकर अच्छे से फैला लूंगी, और थोड़ा बचा था वो भी अच्छे से डाल लिया है। ये सारा बीज का लेयर डाल चुकी हूँ। अब इस पर मैं सेवइयां डालूंगी, ऐसे कोनों से डालती हुई आऊंगी। सारी सेवइयों को कोनों से अच्छे से डाल लेंगे। पहले कोनों को हम फिल कर लेंगे। देखिए ऊपर भी मैं सारे डालकर, सारी जो आधी मैंने बचाई थी सेवइयां वो सारी डालकर अच्छे से कोनों में फिल कर लिया है, और ऊपर भी ऐसे हल्के हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर लूंगी। प्रेशर हमें नहीं डालना है, बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे थोड़ा सा दबा लेना है ताकि वो अच्छे से उस पर सेट हो जाए। जो और आधा सी शुगर सिरप हमने बचा कर रखा था वो इस पर डाल दूंगी। मैंने ऊपर की लेयर में कलर इसलिए नहीं डाला है, जब हम शुगर सिरप डालते हैं तो नीचे जो हमारा बीच की लेयर में जो क्रीम है उसे सारे इसको कलर चढ़ जाएगा। अब फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हम बस 1 या 1.5 मिनट तक पकाएंगे। बस 1 मिनट हो चुके हैं, मैं अब चेक करती हूँ। देखिए अभी इसमें भाप नहीं भरी है, और 1 मिनट मैं इसे लो फ्लेम पर ही पकाऊंगी। देखिए अच्छे से इसमें भाप भर चुकी है, मैं फ्लेम को ऑफ कर लूंगी। ऑफ कर 1 मिनट तक ऐसे ही ढके रहने दूंगी, फिर खोल लूंगी इसके। कुछ देर हो चुकी है, मैं चेक कर रही हूँ, ये अच्छे से हमारा कुनाफा सेट हो चुका है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी। इसे थोड़ा हम इसे नीचे से छुड़ा लेंगे, फिर प्लेट में निकालेंगे। देखिए मैं इस पर एक प्लेट ऐसे उल्टा रख चुकी हूँ। अब नीचे से मैंने उसे थोड़ा सा लूज कर लिया था, अब इसे पलटा लूंगी। देखिए कितने अच्छे से सेट हो चुका है। नीचे जो मैंने नीचे की लेयर में कलर डाला था वो ऊपर आ चुका है। अब हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे। पहले हम इस पर क्रीम डालेंगे। क्रीम को मैंने डाल लिया है, वो गरम क्रीम नहीं है, नॉर्मल क्रीम है। थोड़ा सा शुगर सिरप ऐसे साइडों में डालेंगे हम। जब हम पैन में शुगर सिरप डालकर सेवइयों को दम के लिए नहीं छोड़ते हैं तो कच्ची रह जाती हैं। इस तरह पैन पर हमने दम को छोड़ा है तो सेवइयां अच्छे से पक चुकी है, और थोड़ा सा पिस्ते से हम इसे गार्निश कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। देखिए हमारा कुनाफा बनकर रेडी हो चुका है, और इसे बहुत सिंपल मेथड से मैंने बनाया है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और सारे इंग्रेडिएंट्स मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिए। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।